हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग और एक नया टॉपिक में आएंगे। यूनिट नंबर 6, कंफर्ट कंडीशंस एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशंस। फर्स्ट वी विल डिस्कस कंफर्ट कंडीशंस एंड देन वी गो फॉर कूलिंग लोड कैलकुलेशंस। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सचेंज ऑफ बॉडी विथ एनवायरमेंट। सो इसका टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे टॉपिक में हम लोग जाएंगे। सो पहले थर्मल एक्सचेंज ऑफ बॉडी विथ एनवायरमेंट, क्या थर्मल एक्सचेंज ऑफ बॉडी विथ एनवायरमेंट माने क्या है? सो ह्यूमन बॉडी इज लाइक एज ए मशीन, क्योंकि हम लोग जो है फूड खाते हैं, राइट? वो फूड क्या होता है? वर्क को प्रोड्यूस करते हैं। हमें चलना है तो इट इज ए वर्क, राइट? कुछ काम करना है तो हम लोग ने वर्क के रूप में हमने प्रोड्यूस करते है। चलिए हम बात करते हैं इसमें क्या होते हैं। तो हमने बहुत सारा हम लोग ने एक स्टेटमेंट्स दिया है थर्मल एक्सचेंज ऑफ द बॉडी विद एनवायरमेंट में, लेकिन हम लोग का एक ए है, दैट इज ए एस एच आर ए ई, ये है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। इन्हें एक स्टेटमेंट दिए थे, इन्हें हमको एक स्टेटमेंट्स दिए थे। ये स्टेटमेंट्स क्या है? द ह्यूमन कंफर्ट इज द कंडीशन ऑफ माइंड, इट एक्सप्रेस द सर्टिफिकेशन विद द थर्मल एनवायरमेंट। सो ह्यूमन का जो है हमारा कंफर्ट, ह्यूमन कंफर्ट इज कंडीशन ऑफ माइंड, आपको माइंड कंडीशन ऑफ माइंड का अनुसार से आपको सेटिस्फेक्शन करना है विद थर्मल एनवायरमेंट, बाहर का एनवायरमेंट को हमने सेटिस्फाई करना है। ये हमने दिए है ए एस एच आर ए, ये एक सोसाइटी है, ये ने दिया है एक स्टेटमेंट ने, राइट? क्योंकि अपना माइंड को यूज करके हमने सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, राइट? ह्यूमन के अलग अलग ह्यूमन रहता है, उसका सेटिस्फेक्शन अलग अलग कंडीशन पे रहता है। जनरली हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए हमारे टेम्परेचर रहता है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रहता है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारा रहता है। जब हम बात करते हैं हमारा थर्मल एक्सचेंज ऑफ बॉडी विद एनवायरमेंट, मीन्स हमारा हीट कैसे किस रूप में निकलता है टू द एनवायरमेंट, द फर्स्ट वन इज कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड देन एवोपरेशन। ये तीन मोड में हमारा जो है हीट एक्सचेंजेस होते रहता है। सो जनरली हम बात करते हैं, हमने एक मेरा पास में जो है हमने बात करते हैं एक समर के बारे में बात करते, एक विंटर के बारे में बात करते, राइट? समर के बारे में बात करते, हमने विंटर के बारे में बात करते। क्या होते हैं हमारे समर में? जनरली क्या होता है हमारा, जब हमने हीट जो है सराउंडिंग को, जब हमने कुछ भी फूड अगर हम लोग खाते हैं, 20% ऑफ हीट, 20% ऑफ जो है हमने यूज करते हैं थर्मल एफिशिएंसी का रूप में, राइट? 80% जो है हमने एनवायरमेंट को दे देते हैं। जनरल ह्यूमन बॉडी ने 20% हम यूज करते हैं, 80% हमने एनवायरमेंट को दे देते, भाई पसीना का रूप में, ये सब के रूप में हमने दे देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं समर के बारे में। तो समर में क्या होता है हमारा, 40 डिग्री से हमारा 50 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर डीबीटी रहता है, हमारा 80% टू 90% आरएच रहता है। तो क्या होता है? सो जनरली अगर ह्यूमन बॉडी का जो है टेम्परेचर है हमारा 36.5, बट इट इज बेसी है हमने। सो यहाँ पे क्या होते हैं, हमने डिस्कम्फर्टेबल जोन में आ जाता है, डिस्कम्फर्टेबल जोन में हमने आ जाता है डीजे। डिस्कम्फर्टेबल जोन मैंने हमने जो है काम करने के लिए मन ही नहीं रहेगा, कोई भी काम करने के लिए डिस्कम्फर्टेबल, क्योंकि पसीना निकलता रहेगा, हवा नहीं चलता है, बहुत हीट है, तो हमने क्या होता है डिस्कम्फर्टेबल आ जाता है समर पे। तो समर पे जब हमारे समर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर हमारा राइज हो जाता है ऑटोमेटिकली हम लोग प्रेस्परिंग हो जाता है, क्योंकि चक्कर आके गिर जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, राइट? समर कंडीशन में तो उस टाइम क्या होता है, हमने समर में हमारा जो है हीट को लास्ट हो जाता है ज्यादा, राइट? हमने विंटर के बारे में बात करते हैं, हमने 5 डिग्री से लेके हमारा 10 डिग्री तक हमारा विंटर में कंडीशन होते हैं।
जब 5 डिग्री से हमारा 10 डिग्री कंडीशन पे होंगे तो हम इसमें से भी हम लोग ने सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो है हमारा टेम्परेचर, ह्यूमन का टेम्परेचर होना चाहिए एक्चुअली 21 डिग्री और 56 रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पास में, इट इज ए कम्फर्टेबल जोन फॉर द ह्यूमंस, राइट। कंफर्टेबल जोन का ह्यूमन का कंफर्टेबल जोन है, लेकिन टेम्परेचर जो है ह्यूमन का कंफर्टेबल जोन नहीं हो पाता है। विंटर सीजन में क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर का ऊपर में क्या होता है, हमने हीट को जो है लास्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कूल है तो हमारा से ऊपर से क्या हीट लेगा। सो ये हो जाता है विंटर कंडीशन पे, उसके बाद इसमें भी हम लोग डिसकम्फर्टेबल जोन में आ जाता है। सो विंटर कंडीशंस में भी, सो ये विंटर कंडीशंस को भी हम कंफर्टेबल में लाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने जो टेम्परेचर, हम ह्यूमिडिटी जो रेटिंग से किया गया है उसको हमने मेंटेनेंस करना जरूरी हो रहता है, ये हमारा विंटर कंडीशंस में। सो क्या होगा हमारा समर कंडीशंस में, हमारा एक इक्वेशन ऐसा हुआ है, हम हीट एंड वर्क के रूप में हम एंट्रेंस करते हैं, एम माइनस क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस हमारा यस, एम इज मेटाबोलिटिक एक्टिविटी, डब्ल्यू इज वर्क डन, क्यू इज हीट ट्रांसफर, एस इज स्टोर्ड एनर्जी। हीट ट्रांसफर जो है, हीट ट्रांसफर में भी इन रेडिएशन या एवापोरेशन और कन्वेक्शन के थ्रू होते हैं, इसमें कन्वेक्शन के थ्रू हमारा हो जाता है। ये है हमारा थर्मल एक्सचेंज ऑफ बॉडी विथ एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स इसमें हम बात करते हैं मेन, हमारा बॉडी जो है कंफर्टेबल रहना चाहिए, हमारा माइंड जो है वो कंफर्टेबल रहना चाहिए, तभी हम उसको में काम करते हैं। सपोज हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, इफ यू गो फॉर एनी इंडस्ट्री, इफ दैट पर्सन हूएवर द वर्किंग इन दैट पर्सन इफ इज नॉट कंफर्टेबल, सो दे विल नॉट गिव यू एफिशिएंसी वर्क, राइट, दे विल नॉट गिव यू मोर एफिशिएंसी। So whatever the work they are doing, they will not give a more efficient work because of they don't have a comfortable zone, right? Maybe they have a ठंडी सीजन में हो जाता है, तो ठंडी सीजन में क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर बिलो हो जाता है। बिलो हो जाने से क्या होगा, हम सभी से कंफर्टेबल नहीं देगा तो क्या होगा, हमको शिवरिंग आ जाता है। लेकिन एक कम्फर्ट जोन मेंटेनेंस करना हमारा जरूरी है। ऐसे ही इंडस्ट्रीज में हम कितना उसको कम्फर्टेबल जोन देंगे, वो उतना क्वालिटी ऑफ वर्क हम उससे ले सकते हैं। कोई भी चीज है कंफर्टेबल जोन रहना चाहिए, इसी के लिए हमने एयर कंडीशनिंग को, रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हमने यूज करते हैं, वो कंफर्टेबल जोन को लेके आए ह्यूमन से हमने इफिशियंट वर्क लेने के लिए। ये है हमारा थर्मल एक्सचेंज ऑफ बॉडी विथ एनवायरमेंट। और एक टॉपिक देखेंगे हम लोग का कंफर्ट कंडीशंस में, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट। देर आर 8 पॉइंट्स, यू विल सी दिस 8 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज एयर टेम्परेचर, एयर प्यूरिटी, ह्यूमिडिटी एंड एयर मोशन एंड एयर स्ट्रेटिफिकेशन, बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म, एयर क्वांटिटी एंड हॉट एंड कोल्ड सर्फेसेस। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हेन फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर ह्यूमन कंफर्ट। जब भी ह्यूमन कंफर्ट का बात करते हैं, हमने ये 8 पॉइंट को मन में रखते हुए हमने डिजाइन करना है हम लोग कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम को। सबसे पहले देखते हैं हमारा एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर माने क्या है, तो हमने बात करते हैं, हमने हमारा बॉडी जो है लाइक एज ए थर्मल इंजन माने, राइट। वो क्या होता है, हमारा थर्मल एनर्जी को हमने हीट एनर्जी के रूप में, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हमने कन्वर्ट करते हैं, राइट। क्या होता है, हमने टेम्परेचर जो है हमारा आउटसाइड के एटमोस्फेरिक कंडीशंस मे बी डिफरेंट, बट वी विल डिजाइन सेट ए टेम्परेचर लाइक ह्यूमन विल बी कंफर्टेबल, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट वी विल एयर टेम्परेचर मस्ट बी कंट्रोल, राइट। टेम्परेचर को हमने कंट्रोल करके रखना है फॉर ह्यूमन कंफर्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर प्यूरिटी। मे बी इन एयर प्यूरिटी मे बी डस्ट पार्टिकल्स विल बी देयर, डस्ट पार्टिकल विल बी देयर, बैक्टीरिया विल बी देयर, मे बी इन अनदर इम्प्यूरिटीज ऑल्सो विल बी देयर। वी हैव टू रिमूव दिस ऑल द थिंग्स, सो दैट्स व्हेन इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स वी आर यूजिंग एज ए फिल्टर्स, बिकॉज ऑफ द वी नीड प्यूरिटी ऑफ एयर। प्यूरिटी ऑफ एयर हम लोग को चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द फिल्टर्स इन एयर कंडीशनिंग
system. So the main another factor also will be the air purity. So how much if purity will be not there, when human comfortable will the using that conditioned air, that will be giving as a breathable problem. Those who have a heart problem, those who have a breathable problem will be there. The breathing will be in a problem if air is not purity, right? नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में. सो अभी तक हमने ह्यूमिडिटी के बारे में बहुत हमने चर्चा किया है. द मेन फैक्टर ह्यूमिडिटी क्या होता है, इन समर कंडीशन द ह्यूमिडिटी विल बी हायर बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इज विल बी हायर इन द समर एंड मॉइस्चर कंटेंट इज लेस इन द विंटर. दैट्स व्हाई इन समर कंडीशन हमने क्या करते हैं, हमने डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट को निकाल दे. डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस माने क्या, हम कंडेंसिंग करके वाटर का रूप में उसको निकाल देते हैं. विंटर कंडीशंस में हमारा क्या होता है, तो हमारा मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी लेस, वी हैव टू ऐड द मॉइस्चर. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, मींस वी आर एडिंग द मॉइस्चर कंटेंट टू द विंटर इन विंटर सीजन. सो द मेन फैक्टर इज ऑल्सो ह्यूमिडिटी. द रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर द ह्यूमन कम्फर्ट इज 56%, राइट? रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर द ह्यूमन कम्फर्ट इज 56%. Next, hair motion. So, हम बात करते हैं hair motion का बस में. In condition space, the air will be move entire the room. If it will be struck in one room, so it will again will be a problem. When it will move around in the surroundings, so all the occupants, whoever the occupants inside the condition space, they will be comfortable. If the air movement is not there, so whoever releasing the carbon monoxide will be, again it will be a problem. The occupants will be discomfortable, right? नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में. हमने बात करते हैं क्योंकि एयर स्ट्रेटिफिकेशन माने क्या है, देन वे एयर हमारा टेम्परेचर रेज हो जाता है, उसका डेंसिटी हमारा डिक्रीज हो जाता है. जब डिक्रीज हो जाता है एयर टोटली हमारा क्या हो जाता है, टेम्परेचर रेज होने कारण हमारा सीलिंग का ऊपर चला जाता है. सीलिंग का ऊपर चला जाता है क्या होगा, हमारा कोल्ड एयर आल्सो विल बी सीलिंग का ऊपर में चला जाता है. सीलिंग के नजदीक तक हमारा उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर देते, क्या होगा हमारा फ्लोर का, हमारा स्पेस का जो है ये हमारा जोन जो है हमारा डिस्कम्फर्टेबल हो जाता है. मीन्स क्या होता है, हमने अनकंफर्टेबल हो जाता है ह्यूमंस ने, राइट? द मूवमेंट ऑफ द एयर टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं, मूवमेंट ऑफ द ग्रेडियंट वी कॉल्ड एज एयर स्ट्रेटिफिकेशन करके भी बोल सकते हैं. मीन्स डेंसिटी एयर टेम्परेचर का एयर इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, इसका वजह से हमारा सीलिंग का फ्लोर का बीच में जो है एयर मूवमेंट जो है तुम्हारा वो डिस्कम्फर्टेबल टाइप का हो जाता है, राइट? ये है हमारा एयर स्ट्रेटिफिकेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म. बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म हमने पहले भी देखे हैं, थर्मल एक्सचेंज ऑफ बॉडी अमेरिकन सोसाइटी हीटिंग एंड हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स ने जो कहा है, इट इज द कंडीशन ऑफ ह्यूमन माइंड, राइट? इट इज द कंडीशन ऑफ द ह्यूमन कम्फर्ट इज द कंडीशन ऑफ माइंड which express the satisfaction with thermal environment. That is the main factor in body of mechanism. Because हम बात करें हैं last पिछले topic में भी 20% of thermal energy हमने release करते हैं, thermal efficiency होते हैं, बाकी 80% हमने surroundings को दे देते हैं. So बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म भी हमारा मेन एक फैक्टर है क्योंकि ये डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है. एक आदमी एक अलग फील होते हैं, दूसरा आदमी दूसरा तरीका से फील होते हैं. सब आदमी का एक नहीं करके हम नहीं बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट रूप में रहता है, राइट? ये है हमारा बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म. नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर क्वांटिटी का हमने बात करते हैं. सो सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर कम थ्रू द रिसर्कुलेटेड एयर and some amount of air taken from the fresh outside, means 15% of will take 15% जो है हमने fresh air लेते हैं and हमारा 85% is recirculated air होता है. क्यों fresh air क्यों add करना है, but in recirculated air में हमारा carbon dioxide जो है हमने release करते हैं वो ज्यादा रह जाता है. जो carbon dioxide ज्यादा रहता है तो हमको oxygen चाहिए. So that's why we are taking the outside air, that is a 15%, remaining 80% that recirculated. We add both the things through the filters and then we will send to the another process, right? It is a air quantity. Air quantity में हम लोग इसको हमने बात करना है. तो हमने और एक बात करते हैं, हमने हॉट एंड कोल्ड सर्विस, इसका मेन फैक्टर क्या है, क्योंकि हमारे गर्मी के सीजन में हमारा सीलिंग्स वगैरह वार्म हो जाता है,
राइट, विंटर सीजन में क्या होगा, अगर तुम्हारा पूरा ग्लासेस है चारों तरफ में, वो भी कोल्ड ज्यादा हो जाता है, राइट। इन समर कंडीशन में हॉट हो जाता है, विंटर कंडीशन में हमारा कोल्ड हो जाता है सर्फेसिस ने। सो वो सर्फेसिस को हमने आइसो प्रोटेक्शन देना चाहिए कि विंटर कंडीशन पे भी हो, सर्फेस हमारा इस कंडीशन में भी हो, हमने एक ही टेम्परेचर रिलीज करना है। मीन्स उसी तरीके से हमने सीलिंग्स वगैरह उसको एराइज करना, राइट। हमने इसमें देखे है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ह्यूमन कम्फर्ट में, दीज आर द 8 points। अगेन हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, एयर टेम्परेचर मेन फैक्टर है एंड द एयर प्यूरिटी, ह्यूमिडिटी, एयर मोशन, एयर सेटिस्फेक्शन, बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म, एयर क्वांटिटी, हार्ट एंड कोल्ड सरफेसेस, राइट। प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स, सो व्हेनेवर दे विल आस्क इन द एग्जाम्स यू हैव टू राइट दिस 8 points एंड यू एक्सप्लेन द ईच पॉइंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।